तो जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि आपके सामने है एकदम एक ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर अंदर हीरो पैशन एक्स एक, और ये वाला जो बाइक है ना, तो इसका ही अभी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। मतलब कि आपको इसी वीडियो के अंदर इसी बाइक का जो पावर फीचर्स और जो कीमत है इस बाइक का, तो वो सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकर, आप देख रहे हो कर्मकर अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो भाई जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने है ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर अंदर हीरो पैशन एक्स टेक, और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये वाला जो बाइक है ना, तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर अंदर कितना ज्यादा खूबसूरत तो लग ही रहा है देखने में। और इसके हिस्से से तो लोग ये भी देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के ही इसी टैंक वाले पार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ये पैशन नाम लिखा हुआ 3D फिनिश के अंदर। और इसके अलावा भाई इस वाले बाइक के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो ब्लू कलर का स्टिकरिंग जो यूज किया गया है ना हीरो कंपनी की तरफ से, तो ये भाई काफी ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे। और इसके अलावा भाई मुझे तो अभी कुछ ऐसा ही लगता है कि ये जो ग्लॉसी फिनिश है ना, तो इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही ये ब्लू कलर का स्टिकरिंग हीरो कंपनी की तरफ से यूज किया गया है। और इसके अलावा तो भाई एक और भी चीज जो कि आप लोग अभी नोटिस कर रहे होंगे, और वो है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रेकिंग सिस्टम में ड्रम ब्रेक। मतलब कि इसका जो डिस्क ब्रेक वाला जो वेरिएंट है ना, तो वो भी है, लेकिन ये वाला जो मॉडल है आपके सामने, मतलब जिसको भी लोग देख ही रहे होंगे, तो ये एक ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है। मतलब कि इस वाले बाइक का सामने के चक्के पर भी ड्रम ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी ड्रम ब्रेक विद IBS वाला सिस्टम, मतलब कि वो कॉम्बी ब्रेकिंग वाला जो सिस्टम है ना, तो वो ही। और इसके अलावा तो आप लोग ये भी देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वो ही कॉयल वाला हाइड्रोलिक शॉक। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये किक स्टार्ट वाला भी सिस्टम, और बाकी तो इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो इंजन, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन है 110cc वाला, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 9 BHP, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 9.79 Nm। बाकी तो भाई 4th स्पीड का गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा इसी बाइक के ही इसी इंजन के अंदर। और इसके अलावा एक और भी चीज है जो कि आप लोगों में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, और वो है इस वाले बाइक का माइलेज। तो देखो भाई अभी इस वाले बाइक का जो माइलेज बताया जा रहा है ना, तो वो है 55 से लेकर 65 KMPL के अंदर अंदर। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो लाइट्स का सेटअप, तो ये भी जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा LED लाइट्स का ही सेटअप। लेकिन भाई ये जो इस बाइक का टर्न इंडिकेटर्स जो है ना, तो वो आपको बल्ब के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा और भी चीज जो कि है इस वाले बाइक का मीटर कंसोल। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये वाले बाइक के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है, तो ये एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल। और इस वाले बाइक के ही इसी डिजिटल मीटर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल फोन ऐप कनेक्टिविटी वाला जो सीन है, तो वो भी, मतलब जो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी वाला जो सिस्टम है, तो वो भी। और इसके ही साथ साथ फ्यूल गेज और ओडोमीटर टिप मीटर जो भी है, तो ये सारा कुछ आपको डिजिटली देखने को मिलने वाला है। वैसे भाई रिव्यू के दौरान इस वाले बाइक का ये जो बॉडी पार्ट्स जितने भी जो भी है, तो उन सारे ही चीज को जब मैंने हाथ से छू के देखा ना भाई, तो वो सारा का सारा चीज मुझे काफी ज्यादा सॉलिड फील हुआ। मतलब कि अगर सीधे तरीके से बताऊं तो इस वाले बाइक का ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना, तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन है। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का जो फिट एंड फिनिश जो क्वालिटी है, तो वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा भाई इस वाले बाइक का जो एक शोरूम प्राइस जो मुंबई है, तो वो भी आप लोग अभी देख ही सकते होंगे। बाकी तो भाई ऑन रोड प्राइस जो है, तो वो अलग अलग स्टेट पर अलग अलग ही देखने को मिलेगा आपको। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो है कि इस वाले बाइक का ये जो फ्यूल टैंक है ना, तो ये है 10 लीटर का। लेकिन इस वाले बाइक का ये फ्यूल टैंक के अंदर आपको जो फ्यूल रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो वो है 1.6 लीटर का। और वैसे इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा i3s वाला फीचर, और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का इसी कलर का जो नाम है ना, तो वो है ब्लैक विद पॉलिएस्टर ब्लू। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।